सेना में बहाली के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले गिरोह का एक शातिर दानापुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। बता दें आपको कि आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की मदद से दानापुर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। वहीं ये शातिर आर्मी में बहाली के नाम पर छात्रों से पैसा ऐंठने का काम किया करते थे। इस गिरोह में शामिल एक शातिर को दानापुर पुलिस ने धर दबोचा है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। पुलिस ने उनके पास से सेना भर्ती का एडमिट कार्ड सहित ओरिजिनल पैन कार्ड और नगद रुपए भी बरामद किए हैं। अब पुलिस इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में लगी है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के चतरा निवासी राजा कुमार ने लगभग 8 माह पूर्व सेना में बहाली के लिए फिजिकल और मेडिकल परीक्षा पास की थी। लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए उसने समस्तीपुर के एक एकेडमी में अपना एडमिशन कराया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन बाद ही एकेडमी के मालिक अमरजीत कुमार झा ने राजा को फाइनल सिलेक्शन का झांसा देकर उसका सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने पास ले लिया। बातचीत के क्रम में एकेडमी के मालिक ने राजा को यह झांसा दिया कि दानापुर कैंप में उसका आदमी है और वह राजा का फाइनल सिलेक्शन आर्मी में करवा देगा। उसके बाद अमरजीत कुमार झा ने फोन करके मनोज कुमार नाम के एक आदमी से उसकी बातें कराई। बताया जा रहा है कि एकेडमी में एडमिशन कराने वाले कई छात्रों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अमरजीत झा अपने पास ले रखा है। जब राजा ने मनोज कुमार से बातें की तो मनोज कुमार ने सेना में भर्ती के नाम पर राजा से 4 लाख की मांग कर डाली। राजा ने बताया कि वो एक गरीब लड़का है और इतना पैसा नहीं दे सकता, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वापस कर दिया जाए। इस पर अमरजीत कुमार ने उसे जान से मारने तक की धमकी दे डाली। डर और भय से राजा कुमार ने इस बात की सूचना मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ को दी। मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ को इसकी भनक लगते ही उन्होंने इस बात की जानकारी दानापुर थाने को दी। एक योजना के तहत दानापुर थाने ने राजा से मिलकर पैसा देने के नाम पर उसे मनोज से मिलने के लिए दानापुर के सगुना मोड़ पर बुलाया। जैसे ही राजा मनोज को सगुना मोड़ पर पैसा देने के लिए बुलाया, पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने मनोज के पास से सेना के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 4,000 रुपए भी जब्त किए हैं। अब पुलिस इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड की तलाश करने में जुट गई है। तो बता दें आपको कि इन दिनों सेना में बहाली के नाम पर पैसे की ठगी करने वाले गिरोह जो हैं वो काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में भोले भाले लोगों को वो अपना शिकार बनाते हैं, उससे पैसे ऐंठते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन इस बार ये बिल्कुल उल्टा हो गया और इन सातिरों के मंसूबे जो हैं वो धरे के धरे रह गए, क्योंकि इनके गिरोह के एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि सेना में बहाली के नाम पर ये पैसे की ठगी लगातार करते आ रहे थे और इसी गिरोह के एक शातिर को दानापुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि दानापुर पुलिस और लखनऊ इंटेलिजेंस की टीम जो है वो लगातार नज़र बनाए हुई थी और उसके बाद ये कामयाबी मिली है। बता दें आपको कि ये शातिर आर्मी में बहाली के नाम पर छात्रों से पैसा ऐंठने का काम किया कर रहे थे। इस गिरोह में शामिल एक शातिर को दानापुर पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने उनके पास से सेना भर्ती का एडमिट कार्ड सहित ओरिजिनल पैन कार्ड और नगद रुपए भी बरामद किए हैं। अब पुलिस इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने में जुट गई है।